अस्सलाम एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद मोहसिन फ्रॉम सुफिजल मार्केटिंग। आज हम लोग क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट और इसकी टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। हम देखेंगे कौन सी क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट होती हैं, ये आपस में कैसे एक दूसरे से ताल्लुक रखती हैं, इनका एंड गोल क्या होता है, इनके फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, आपको किस तरफ जाना चाहिए, इन चीज़ों को समझते हुए हम आगे चलेंगे। चलें शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट को पढ़ें, हमें पहले क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स में फ़र्क को समझने की जरूरत है कि व्हाट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन देम। सेविंग और इन्वेस्टिंग में बहुत मेजर डिफरेंसेस हैं, दोनों के अपने फ़ायदे हैं, अपने नुकसान आते हैं। लेट्स गो इनटू दी। सेविंग के अंदर रिस्क बहुत कम होता है, उस आसान है करने के लिए और आपके पास हमेशा कैश अवेलेबल होता है, लिक्विडिटी आसानी से हो जाती है। ऑन द अदर हैंड, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर आपको इन्फ्लेशन जो है उससे फ़ायदा हो जाता है। आपकी इन्फ्लेशन का जो क्या कहते हैं, सेविंग वालों को इंजेक्शन लग रहा होता है, आपको नहीं लग रहा होता, आप इससे ऐसे बच जाते हैं। इन्फ्लेशन भी मैं साथ बताता हूँ, जैसे जैसे टाइम गुजरता रहता है ना, तो जितनी भी करेंसीज हैं उनकी वैल्यू जो होती है वो डिप्रिशिएट कर जाती है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे पास अभी 100 रुपया है, तो आज से 5 साल के बाद उस 100 रुपये की वो वैल्यू नहीं होगी। अगर आज मेरे पास 100 US डॉलर हैं, तो ऐसे 5 साल के बाद वही सेम 100 US डॉलर की वो वैल्यू नहीं होगी जो आज की वैल्यू है। सी, सो ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि मनी आफ्टर टाइम जो वैल्यू डिप्रिशिएट कर रही है, इसको हम इन्फ्लेशन के नाम भी समझ सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमी बढ़ रही है तो उस तक की चीज़ों की कीमतें बढ़ेंगी। आपकी जो 100 डॉलर हैं उनसे आप आज जो चीज़ें खरीद सकते हैं, वो हो सकता है ऐसे 5 साल के बाद उनमें से वो चीज़ें आप ना खरीद सकें। तो इन्वेस्टमेंट में होता ही है कि आप वो 100 डॉलर किसी जगह पर इन्वेस्ट कर देते हैं, वो पैसे जो होते हैं उन पर क्या कहते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट लग जाता है, जिससे पैसे जो हैं वो सर्कुलेट होकर भरने लग जाते हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट का ये जो प्रोसीजर है, इससे फ़ायदा ये होता है कि आपको इन्फ्लेशन का सामना नहीं करना पड़ता और आपके पैसे जो हैं वो आपके पैसे जो हैं ऐसा ऐसा इंक्रीज़ करते रहते हैं। ओके, गेटिंग बैक टू सेविंग, इसके अंदर लिक्विडिटी हमारे पास होती है। ऑन द अदर हैंड, इन्वेस्टमेंट में लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट इतना फेमिलियर नहीं हो सकता हमारे लिए, इसे ज़्यादा मैं थोड़ा सिंपल करता हूँ। लिक्विडिटी से मुराद ऐसे है कि वेन एवर वी नीड कैश, हम अपने सेविंग्स अकाउंट या अपने सेविंग जहाँ पे भी किए वहाँ से पैसे पकड़ निकाल लिए अपने से जो पे इस्तेमाल करने कर लिया। बट इन्वेस्टमेंट में जब आप एक दफ़ा पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं, तो आप फ़ोन वहाँ से कैश बैक नहीं निकाल सकते, आपको वो अमाउंट निकालने के लिए एक सर्टन अमाउंट ऑफ पीरियड्स के लिए वेट करना पड़ेगा। तो इन्वेस्टमेंट उन लोगों के लिए सेफ़ नहीं है जिन्हें क्या कहते हैं लिक्विडिटी की शक्ल में वैल्यूज चाहिए होती हैं। मूविंग फॉरवर्ड, इसके अंदर अपॉर्चुनिटी जो है इन्वेस्टमेंट के अंदर ज़्यादा है, आप ज़्यादा इससे प्रॉफिट कर सकते हैं लॉन्गर टाइम के लिए। आप जितना इन्वेस्ट किया उसकी अच्छी बली मार्जिनल आप वहाँ से निकाल सकते हैं। सेविंग जैसे हम पहले बात चुके हैं, इसमें इन्फ्लेशन का मसला रहता है हमेशा, इसमें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होती। अदर हैंड, इन्वेस्टमेंट में अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा होती है, बट ये है कि इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास स्किल सेट भी होना चाहिए। विदाउट सर्टन स्किल सेट, आप किसी भी चीज़ में अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो देर इज़ अ गुड पॉसिबिलिटी कि आप वो पैसे बढ़ाने की बजाय एक्चुअली लॉस में ले जाएंगे। सो यू नीड टू मेक श्योर दैट यू हैव सर्टन स्किल सेट कि आप उन पैसों से फ़ायदा कर सकें, उन पैसों से मजीद पैसे जनरेट कर सकें, या उन पैसों से कोई इस तरह की चीज़ क्रिएट कर सकें जो कि आपके लिए लॉन्ग टर्म में एज ए इन्वेस्टमेंट प्लान में आपको रिटर्न दे रही होगी। मूविंग फॉरवर्ड, ओके, तो बेसिकली दो किस्म की इन्वेस्टमेंट होती हैं। एक इन्वेस्टमेंट होती है क्या कहते हैं शॉर्ट, अच्छा अस्सलाम वालेकुम, ओके, बेसिकली दो किस्म की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। एक होती हैं लमसम इन्वेस्टमेंट, एक होती है पीरियोडिक इन्वेस्टमेंट। अभी हम इन्हें थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। लमसम इन्वेस्टमेंट जो होती है उसमें होता है कि आप एक अच्छी वाली अमाउंट जितनी भी आपके पास मौजूद है आप उसे लेते हो, उसे आप एक चीज़ में लॉन्ग टर्म के लिए लगा देते हो, और वन टाइम पेमेंट करनी होती है, अब बार बार आपको उसे रिट्रैक्ट नहीं करना होता। इसलिए जब आपने एक बड़ी पेमेंट करनी है, बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है, तो उसे आप लमसम इन्वेस्टमेंट करते हो। अब इसके नुकसान भी हैं, उन नुकसान अभी हम थोड़े आगे चल के पढ़ते हैं। ऑन द अदर हैंड, पीरियोडिक इन्वेस्टमेंट होती है। पीरियोडिक इन्वेस्टमेंट में हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक इन्वेस्टमेंट का मेथड लेते हैं, एक फिक्स अमाउंट जो है ना आप मंथली या वीकली बेसिस पे ना एक सर्टन एसेट के अंदर आप लगाई जा रहे हैं, लगाई जा रहे हैं, लगाई जा रहे हैं। उससे फ़ायदा ये कि आपके जो है ना रिस्क फैक्टर वो आपने फैला दिया है,
अगर आपने एक टाइम पे लगाया होता, मार्केट फ्लक्चुएट होती, आपकी वैल्यू गिर जाती, फोमो फट किसी वजह से आप वो चीज़ को निकालना पड़ जाता है, कोई और इशू बन जाता, तो आपका जो इतना आपने लमसम इन्वेस्ट किया होता सारा लॉस हो जाता। बट अगर पीरियडिक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वही आपके जो चार्जेस हैं वो आपने सर्टन अमाउंट के अंदर वो फैला दिए हैं, तो अगर एक वैल्यू आपकी चली भी जाती है तो बाकी की वैल्यूज जो हैं वो दोबारा प्रॉफिट में ले जाएंगी। तो ये आपको फ़ायदा हो जाएगा कि एक जगह पे लॉस हो रहा है वो बाकी की इन्वेस्टमेंट से मिटिगेट होकर ना आपको फ़ायदा हो रहा है। इसके कुछ फ़ायदे हैं कि इसमें आपका जो इन्वेस्टमेंट का डिसिप्लिन है वो क्रिएट हो जाता है, आपका रिस्क जो है फैल जाता है, फ्लेक्सिबल बहुत है, आप जब जिस तरह चाहें उस तरह इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इसमें टेंशन तो ही कम होती है मेरे ख्याल में। ऑन द अदर हैंड, अगर आपने लमसम इन्वेस्ट किया तो अगर उस प्रोडक्ट की, उस एसेट की वैल्यू नीचे जाती है तो टेंशन से आपका बुरा हाल हो जाता है, आप योर टोटली जस्ट माइंड बोगल कि अब मैं क्या करूँ, कि अब आगे मुझे कुछ आइडियाज़ नहीं आ रहे हैं, मैं इसे किस तरह लेके चल सकता हूँ आगे। सो आई थिंक दिस इज़ अ बेटर अपॉर्चुनिटी टू गो इन टू, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो इधर हमने मैंने इन दोनों को आपस में कंक्लूड किया हुआ कि एक दूसरे के अंदर कौन सी चीज़ फ़ायदेमंद है। लमसम जो है वो आपको वन टाइम पेमेंट करनी होती है, उसमें आपको बार बार पेमेंट नहीं होती। ऑन द अदर हैंड पीरियोडिक के अंदर आपको रेगुलरली पेमेंट करनी होती है, आफ्टर अ वीक, आफ्टर अ मंथ, जो भी आप डिसाइड करते हैं, फिर आप उसमें एसेट में एक सर्टन अमाउंट ऑफ वैल्यू जो है ऐड करते रहते हैं। जो लमसम है उसके अंदर आपको जो रिस्क है उसकी एपेटाइट आपकी मॉडरेट टू हाई होनी चाहिए। आप लो अगर रिस्क वैल्यू लेते हैं तो आप लमसम नहीं कर सकते हैं, अगर आपका लो टू मॉडरेट है फिर आपके लिए जो है पीओडी का ज़्यादा बेहतर देगा। लमसम के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी भी लो होती है, एक दफ़ा आपने इन्वेस्ट कर दिया तो इन्वेस्ट कर दिया, लमसम के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी भी कम होती है, इसमें आपने एक दफ़ा जब किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर दिया तो इन्वेस्ट कर दिया, आप उसे कहीं और मूव नहीं कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड आपका जो पीओडी का, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि आपने एक दफ़ा एक में इन्वेस्ट कर दिया और सही नहीं काम का, आपने नेक्स्ट टाइम किसी और एसेट में इन्वेस्ट कर दिया, किसी और तरीके से इन्वेस्ट कर दिया, और इस तरह आप इसमें फ्लेक्सिबिलिटी वैल्यू बढ़ जाती है। जो लमसम है उसका जो मार्केट में वॉलेटिलिटी में इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है, हमें इस बात को ध्यान में रख के इन्वेस्टमेंट करनी होती है कि वॉलेटिलिटी जो मार्केट की है, ऊपर नीचे जो जा रही है, वो बहुत इंक्रीज, बहुत हायर मार्जिन पर इंक्रीज़ हो रही होती है लमसम के अंदर। और ऑन द अदर हैंड लो के अंदर, पीओडिक इन्वेस्टमेंट के अंदर ये बहुत लो होता है, आपकी जो मार्केट वोलेटिलिटी वो इस पर इम्पेक्ट नहीं कर रही होती है, तो एज इन कि आप छोटी छोटी जो अमाउंट लगा रही हैं, मार्केट चाहे ऊपर जा रही हो चाहे नीचे जा रही हो, वो आपकी जो छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स हैं या रेगुलर इन्वेस्टमेंट है उनमें इतना इंटरेक्ट नहीं कर रही होती हैं। उम्मीद है ये छोटा सा लेक्चर आपको पसंद आया होगा, इसमें हमने इन्वेस्टमेंट टाइप्स को पता है, इन्वेस्टमेंट क्या चीज़ें हैं, कैसे एक दूसरे से काम कर रही हैं, इन्वेस्टमेंट और सेविंग में फ़र्क क्या होता है। उम्मीद है आपको सही बातें समझ में आई होंगी, अगर कोई क्वेश्चन हो तो मैं हाजिर हूँ, मेरा ईमेल एड्रेस आपको मिल जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, सबको मेरे तरह सलाम दीजिएगा। दिस इज़ मोहम्मद मोहसिन साइनिंग ऑफ फ्रॉम सफिशियल मार्केटिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।